सबसे पहले रोज़ की रूटीन का वर्क। ये हमारी सौ फूड है जो अभी हमने बर्ड्स को डालनी है, और ये अगेन हम एग ब्रेड भी बनाने लगे हैं। तो एग ब्रेड बनाते हैं, और आज हमने स्पेशल व्लॉग बनाना है बच्चे उठाने, तो उसके लिए हमारे बच्चों के ये बेड्स तैयार हैं। इन बेड पे हम लोगों ने बच्चे उठाने हैं आज, और वो भी जिस टाइम हम बच्चे उठाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे उसे भी कैप्चर करने की। पहले ये तैयार कर लेते हैं एग ब्रेड, और फिर उसके बाद आपके साथ मिलते हैं। ये जी हमारा एग ब्रेड भी रेडी है। इसमें हमारे पास आज कैरेट कम थी, वो मेरा इश्तिहारी अभी गायब है, वो वापस आता है तो उसे कैरेट मंगवाते हैं। तब तक मैं आपको एक न्यू चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने आज खुद देखी है। ये एक काइट फ्लाई कर रही है, बड़ी डिफरेंट सी, अगर मैं सही से दिखा पा रहा हूँ तो। ये मैं खुद आज फर्स्ट टाइम ही देखी है अपलोड की, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ, शायद आप लोगों में से किसी ने देखी हो। अगर किसी ने देखी है तो कमेंट करेंगे लाजमी। तो बड़ी डिफरेंट और यूनिक सी काइट है। आज मौसम भी काफ़ी सनी है, धूप काफ़ी अच्छी है, तो ये एक अपडेट थी। आज बड़ा इश्तिहारी नहीं है हमारे पास, छोटा इश्तिहारी यहाँ पे घूम रहा है। हेलो, इधर आओ, क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो? अच्छा, खेल रहे हो, चलो खेलो आप। तो ये छोटा भांजा है मेरा, ये खेल है। तो अभी इंतज़ार करते हैं दूसरे इश्तिहारी का, वो आ जाए तो उसे कैरेट वगैरह मंगाते हैं बाज़ार से, फिर आगे एग ब्रेड कंप्लीट करेंगे। तब तक मैं ये बर्ड्स को सर्व करता हूँ ताकि बर्ड्स इन्हें खाना स्टार्ट करें और अपने बच्चों को भी फीड शीट कराएँ। जब वो आ जाएगा तो फिर उसके बाद कंप्लीट करके डालेंगे, और फिर बच्चे भी पिक करेंगे जो हमने नीचे लेके जाने ब्रूडर्स में। इश्तिहारी ये ले, गाजर लेके आनी है, छोटी ना लाई बहुत। ये हम इंतज़ार कर रहे थे और इश्तिहारी आ गया, तो उसे हमने भेज दिया गाजर लेने के लिए। और ये कोई काइट बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी, मैंने कहा आपको दोबारा एक दफ़ा इसे दिखा दूँ कि ये है किस तरह का। ये उतारता है छोटा, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये पकड़ के भी दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। प्लस मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें देखी थी, मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ। ये जी हमारा फ्रूट आ रहा है माशाल्लाह, अंगूर बे, अंगूर की बेल हुए हमारे अंगूर आ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं साथ साथ अपडेट करता रहा करूँगा आपको, जो जो ये बढ़ते जाएंगे तो ये भी आपको दिखाएंगे। और काइट में उतरवाने की कोशिश करता हूँ छोटे से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये वो काइट है जी, काइट हमने उतरवा ली हुई है। ये हमारे साथ छोटा बच्चा एक उड़ा रहा था, तो बड़ी यूनिक सी काइट है, और अभी उसे देते हैं, उसे कहते हैं उड़ाए, तो देखते हैं कैसे उड़ती है। उड़ाओ समय से, तो ये गई काइट। उम्मीद है ऐसी काइट आप लोगों ने नहीं देखी होगी। हम इंतज़ार कर रहे थे गाजरें आने का, तो हमने ये भी एक चीज़ देख ली नहीं, आप लोगों को भी दिखाई। पसंद आई तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मज़े की बात ये बनाई हुई इस छोटे ने खुद है। तो आता है जूई, तो फिर हम एग ब्रेड कंप्लीट करते हैं। हाँ, वैसे दूसरी जो फूड है मैं वो बना के डाल चुका हूँ, ये वाली ये बर्ड को मैं सर्व कर चुका हूँ, एग ब्रेड रह गया उसके लिए गाजरों का इंतज़ार करते हैं। ये आ गया हमारा इश्तिहारी गाजरें वगैरह पकड़ के। क्या हाल है? सलाम करो पहले, किधर गए थे? इससे पहले ये तो मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, रोज़े कितने रोज़े रखे हैं? दो छोड़े, दस रखे हैं, माशाल्लाह वेरी गुड। अभी क्या करना है तुम्हें? गुड्डा उड़ाना है। समर को गुड्डा देखा? बहुत बेहतरीन बनाया। तो जी ये आ गई हमारी कैरेट्स, डालते हैं और एग ब्रेड रेडी करके बर्ड्स को डालते हैं। फिर जिस टाइम भी हम बच्चे पिक करेंगे
तो फिर आपको दिखाएंगे पिक करते हुए, नीचे लेके जाएंगे उन्हें हैंड फीड पे, और फिर आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे आज की रूटीन। हमने जी सबको सर्व कर दिया, आगे भी एग ब्रेड रेडी करके बर्ड्स को डाल दिए तमाम को, और ये भी एंजॉय करेंगे, अपने बच्चों को फीड कराएंगे, खुद भी खाएंगे, और हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे मगरिब के बाद तक का रोज़ा खोलेंगे। रोज़ा खोलने के बाद दोबारा ऊपर आएंगे, तब हम बच्चे सारे जो हैं हैंड फीड से उठाएँगे। अभी जस्ट मैंने ये काम करते करते यही सोचा कि इन्हें तमाम पेरेंट्स को अपने बच्चों को खिलाने देते हैं, ये अपने बच्चों को अच्छे तरीके से खिला लें, फीड करवा लें, ताकि आज रात की जो फीड है वो पेरेंट्स अपने खुद करा लें। मेरे घर में भी आज इफ्तार है, कुछ मेरे रिलेटिव्स का, उस वजह से उधर बिजी होंगे, तो शाम का टाइम थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आज इसीलिए हमने छोड़ा कि ये खुद से फीड कराएं, और शाम को हम बर्ड के बच्चे उठाएंगे, और फिर कल से इंशाल्लाह अर्ली इन मॉर्निंग हमने उन्हें फीड करानी है फर्स्ट टाइम की, और उसके बाद फिर वो अगेन अपनी एक रूटीन में आ जाएंगे। तो रोज़े के बाद इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें हम बच्चे वगैरह उठाएंगे और उसकी अपडेट देंगे। जी तो रात हो गई है, हम बर्ड्स के बच्चे उठाने लगे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था दिन में कि बच्चे आज उठाएंगे, हम बच्चे उठाने आए, पेरेंट्स हैं, फीड भी कराया हुआ, वो भी आपको दिखाते हैं। और हमने कुछ फ़ैसला किया है कि कुछ बच्चे उन्हें उठाने और कुछ नहीं उठाने। मौसम पहले भी मैंने दिखाया था बड़ा ज़बरदस्त था, और अभी तो बस गरज रहा भी है और चमक रहा भी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है। तो चलते हैं शेड में जाके बच्चे उठाते हैं। हम बच्चे उठाएंगे इस पेयर के, सनग्नोर के, इस पे तीन बच्चे आए हुए हैं, वो तीनों हम उठाएंगे। इस पेयर के बच्चे काफ़ी हेल्दी हुए हैं, बड़े हुए हैं, इसके बच्चे कुछ उठाएंगे, और बाकी जितने वो थोड़े छोटे बच्चे हैं हम वो नहीं उठाएंगे, हम वो उन्हीं के नीचे रहने देंगे, ताकि वो बच्चे अच्छे से पाल लें। तो चलते हैं पहले सबसे इग्नोर के पेयर बच्चे उठाने, वो बॉक्स लेके आओ। ये आपने देखा पेयर हो गया, इसके बोल के अंदर आने की उठा लेते हैं एहतियात के साथ। ये लीजिए पहला बच्चा, और माशाल्लाह से इसका ये है दूसरा बच्चा। तो ये सनग्नोर के हमने तीनों बच्चे उठा लिए हुए हैं, उन्हें हम नीचे लेके जाएंगे हैंड फीड पे। तीसरे पेड़ के बच्चे उठाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह ये काफ़ी हेल्दी हुए हैं और काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। तो इसके नीचे से हम बच्चे उठा लेंगे, और इसे हम कुछ मज़ीद बच्चे देने की कोशिश करेंगे, ताकि ये उन्हें पालें यहाँ पे। हमने चार बच्चे उठा लिए, पांचवा हम एक आधा दिन मज़ीद यहाँ पे पड़ा रहने देंगे, और इसके साथ इसे छोटे बच्चे देंगे, ताकि ये थोड़े से बच्चे वो वाले भी हेल्दी करें, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें अच्छे से नहीं पाल रहे। तो इनके नीचे हम छोटे बच्चे रखेंगे, रखते हैं। इसके नीचे हमने छोटे बच्चे शिफ्ट कर दिए, ताकि ये वाला पेयर इन्हें पालने लग जाए, और इन्हें हम हैंड फीड पे लेके जा रहे हैं। मज़ीद बच्चे भी आए हुए हैं, आपने देखे थे, येलो रिंग नेक भी मैंने आपको दिखाया था, आपको मैंने कुछ हैंड बॉक्सेस में भी दिखाए थे, इसमें भी थे, इसमें भी पड़े थे, और इसमें भी थे। तो ये हम लोग नहीं उठा रहे, बच्चे थोड़े बच्चे छोटे हैं, हम जस्ट ये वाले अभी के लिए उठा के लेके जा रहे हैं, इन्हें हम हैंड फीड पे रखेंगे, बाकी हम पेरेंट्स के नीचे ही उन्हीं से खुलवाएंगे। तो आज का ये व्लॉग था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ अच्छी व्लॉग्स के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।